विकासखंड संगड़ाहा की ग्राम पंचायत सताहन के लिए 17 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सेक्रेटरी की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी हुए थे। आज 8 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री के आदेशों को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है, जिसके चलते पंचायत के जहां विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, तो वहीं क्षेत्र के लोगों को अपने कई प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए समस्याएं उठानी पड़ रही है। ग्राम पंचायत सताहन के प्रधान जगत शर्मा ने नाहन में मीडिया को कुछ जानकारी देते हुए बताया कि अब अधिकारी मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय से उनकी पंचायत में सेक्रेटरी की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी हुए थे, लेकिन आज 8 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि वह पिछले 3 दिनों से नाहन में डेरा डाले हैं और डीपीओ व एडीसी कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है, बावजूद इसके अधिकारी सुबह और शाम आना कहकर टाल मटोल कर रहे हैं। जगत राम शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत स्थान ब्लॉक संगड़ा। मेरी पंचायत में पिछले 2 महीने से सेक्रेटरी ना होने के कारण हमारी पंचायत को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। लोगों को प्रमाण सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं, किसी का जन्म है, किसी का मृत्यु है, उसके बावजूद हमने पीछे मुख्यमंत्री साहब से मिलके एक डेपुटेशन ले जाके उनसे एक सेक्रेटरी के ऑर्डर करवाए थे और वो 17 तारीख को वो ऑर्डर नाहन पहुंचे हैं और 17 तारीख से आज तक वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। तो हमारी जो जनता है वो बहुत परेशान है और 8 दिन से हम यहाँ डीपीओ ऑफिस और एडीसी साहब के ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं, जो कि एडीसी साहब हमें बोलते हैं कि सुबह आना शाम को आना, दूसरे दिन को बोलते हैं सुबह आना शाम को आना, और आज तक 4 दिन से हम कंटिन्यू ऑफिस में जाके आज तक हमारे जो है ऑर्डर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। तो हमें बड़ा दुख है कि एक तरफ तो सरकार बोलती है कि पंचायत की सुविधा के लिए सारे कर्मचारी रखे हैं और दूसरी तरफ जो सरकारी प्रशासन है वो पंचायत के काम में रोड़े अटकाता है। तो जब मुख्यमंत्री के ऑर्डर लागू नहीं हो सकते हैं तो किसके पास जाएं? तो अंत में चारा हमारे पास यही है कि हम मीडिया के तरह अपनी बात रखें कि कौन ऐसा कर्मचारी है जो दबाव बना रहा है और सीएम ऑफिस से फोन आ रहे हैं कि ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करना। तो कौन है ऐसा कर्मचारी सीएम ऑफिस में बैठा है जो मुख्यमंत्री के ऑर्डर भी लागू नहीं करवाने देता है? एक तरफ मुख्यमंत्री जी ऑर्डर करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के ऑफिस से सेक्रेटरी के ऑर्डर कैंसलेशन के लिए आते हैं और आज हमें पता चला है डीपीओ ऑफिस से कि उस सेक्रेटरी के ऑर्डर जो मुख्यमंत्री जी ने स्थान के लिए किए थे, जिसमें उन्होंने कल लिखा हुआ है कि इन सुपरस्टेशन जो मतलब ये ऑर्डर होने ही होने थे इम्प्लीमेंट, वो नहीं हुए और आज उन्हीं के ऑर्डर हमें जो सूचना मिली है वो ये है कि उनके ऑर्डर जो है वो कैंसिल किए जा रहे हैं। तो हमें तो बड़ी दिक्कत है कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, जब प्रशासन ही हमारी सुनवाई नहीं करेगा तो हम जनता के काम कैसे करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि प्रशासन से भी और सरकार से भी कि पंचायतों में इतने सारे कार्य हैं तो कैसे चलेंगे, और कल मुख्यमंत्री साहब रेणुका आ रहे हैं तो हमारी जो पंचायत का है वो 50-60 लोगों का डेपुटेशन इस मसले पे मुख्यमंत्री से मिलेगा कि क्या कारण है जो आपके ऑर्डर आपके ऑफिस के कर्मचारी आगे नहीं होने देते हैं। तो कौन लोग हैं ये जो मुख्यमंत्री के ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट नहीं होने देते हैं।